ये कहानी सुनने के बाद शायद आज से आपकी सोच बदल जाएगी। कभी भी लोगों के फालतू बातों में ना आने की बात को कहकर भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को बताते हैं कि एक बार की बात है, एक पिता अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ घोड़ों के साथ किसी यात्रा पर जा रहे थे। उसने अपने पुत्र को घोड़े के ऊपर बैठा के खुद उस घोड़े को पैदल लेके आगे चल रहे थे। यह देखकर जिस नगर से वह गुजर रहा था वहाँ के लोग बोल रहे थे कि यह कैसा पागल है, जब साथ में घोड़ा है तो यह पैदल क्यों चल रहा है। फिर वह व्यक्ति सोचा, बात तो सही है, ये नगर के लोग जो बोल रहे हैं वो सही कह रहे हैं, जब मेरे पास घोड़ा है तो मैं पैदल क्यों चल रहा हूँ। उसके बाद वह व्यक्ति उस घोड़े पर भी बैठ गया। वह पिता थोड़ा रास्ते में आगे ही चला था कि कुछ लोग रास्ते में मिले और उसे देखकर बोले कि कैसा निर्दयी और मूर्ख आदमी है जो इस कमजोर घोड़े के ऊपर सवार होकर आगे चल रहा है, और ये दोनों बड़े मजे से इस घोड़े की सवारी कर रहे हैं। यह सुनकर उन दोनों ने सोचा कि शायद ये लोग ही सही बोल रहे हैं। उसके बाद वह पिता अपने पुत्र को नीचे उतारकर स्वयं ही अकेले घोड़े पर बैठ के आगे चलने लगा। वह अपने रास्ते में कुछ दूर और ही चला था कि कुछ लोगों ने देखा और बोला कि कैसा बाप है, स्वयं तो घोड़े पर बैठा है और अपने पुत्र को पैदल चलने के लिए मजबूर किया है। अब वे दोनों परेशान हो गए लोगों की बातों को सुन सुनकर, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम घोड़े के साथ पैदल चले। लेकिन इस बार भी वे दोनों लोगों के कटाक्ष से बच नहीं सके। फिर लोगों ने जब उन्हें पैदल जाते हुए देखा तो बोला, कैसे मूर्ख लोग हैं, साथ में घोड़ा होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। अब उन्हें यह बात समझ आ गई थी कि अगर वह अब आगे जाएंगे तो लोगों के कटाक्ष से वह नहीं बच सकेंगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने जिंदगी में अपने स्थान पर सही हैं, लोग क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल करे। लोगों का तो काम है कहना, और लोग कहेंगे ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।